हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वास्तु ज्ञान। आप सबका हमारे चैनल वास्तु ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम वास्तु ज्ञान पर बात करेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जिनसे कि दुर्भाग्य बढ़ता है। दोस्तों, सभी घरों में कोई टूटी फूटी वस्तु होती ही है, लेकिन फिर भी उन्हें फेंकने के बजाय घर के किसी कोने में रख दी जाती है। ऐसी चीजें न सिर्फ घर की सुंदरता बिगाड़ती है, बल्कि देवी लक्ष्मी को नाराज भी करती है। यदि आपके घर में इन 10 में से कोई सामान है तो ये आपके दुखों का कारण बन सकता है, क्योंकि जिस घर में यह सामान होता है वहाँ देवी लक्ष्मी निवास नहीं करती। तो चलिए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। नंबर एक, टूटे फूटे बर्तन। ऐसे बर्तन घर में रखने पर महालक्ष्मी नाराज होती है और घर में गरीबी बढ़ती है। टूटे फूटे और बेकार बर्तन घर में जगह घेरते हैं, जिससे वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। नंबर दो, टूटा पलंग। जीवन में सुख शांति के लिए जरूरी है कि पति पत्नी का पलंग टूटा हुआ बिल्कुल ना हो। यदि पलंग ठीक ना होगा तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां आने की संभावनाएं होती है। नंबर तीन, टूटा हुआ कांच। घर में रखा हुआ टूटा हुआ कांच आर्थिक नुकसान का कारण बनता है, साथ ही परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ता है। नंबर चार, टूटी तस्वीरें। यदि घर में कोई टूटी हुई तस्वीर हो तो उसे भी घर से हटा देना चाहिए। टूटी तस्वीर घर में वास्तु दोष और दुर्भाग्य उत्पन्न करती है। नंबर पाँच, टूटे दरवाजे। यदि घर का कोई दरवाजा कहीं से टूट रहा हो तो उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। टूटे दरवाजों से देवी लक्ष्मी कभी भी घर में प्रवेश नहीं करती। नंबर छः, टूटा फर्नीचर। घर का फर्नीचर भी एकदम सही हालत में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार फर्नीचर में टूट फूट बुरा असर डालती है और यह आपकी आर्थिक परेशानियों का कारण भी हो सकता है। नंबर सात, बंद घड़ियाँ। घड़ियों की स्थिति से हमारे घर परिवार की उन्नति निर्धारित होती है। यदि घड़ी टूटी हुई होगी तो परिवार के सदस्यों की उन्नति रुकेगी, काम तय समय में पूरा नहीं हो पाएगा। नंबर आठ, बंद या टूटे हुए पेन। घर या ऑफिस में कभी टूटे हुए या बंद पेन नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से करियर में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर नौ, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान। घर में यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खराब या टूटी हुई है तो उसे भी घर से हटा देना चाहिए। ये आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। नंबर 10, भगवान की टूटी मूर्ति। लोगों को कुछ मूर्तियों से खास लगाव हो जाता है, जिसके कारण टूटने या खंडित हो जाने पर भी वे उन्हें घर में रखते हैं। ऐसा करना परेशानियों का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको कौन सी चीज़ें घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके घर में ये चीज़ें हैं तो इन्हें घर से तुरंत हटा दीजिए, इससे आपका वास्तु दोष ठीक हो जाएगा। अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगे तो आप इस जानकारी को अपने सगे संबंधियों से भी शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल वास्तु